हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, यह डाइस का पार्ट दो है। इससे पहले पार्ट वन में दोस्तों डाइस यानी पासे पासा क्या है, पासे का प्रकार क्या है, इस पर हम बहुत सारी चर्चाएं की हैं। और आइए दोस्तों, एक बार हम पुनः डाइस के बारे में जान लेते हैं कि डाइस कितने प्रकार का होता है। दोस्त, डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण डाइस यानी जिसे सिंपल डाइस कहते हैं, एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम साधारण पासे की बात करते हैं। दोस्त, साधारण पासा वह होता है जिसके दो पड़ोसी सतहों का योग सात हो, वह साधारण पासा कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि दोस्त पड़ोसी सतह क्या होता है, जैसे कि यहाँ दो लिखा है और दो के पड़ोस में तीन है, यानी दो का पड़ोसी तीन होगा, तीन का पड़ोसी चार होगा, चार का पड़ोसी दो होगा, चार का पड़ोसी तीन भी होगा। दोस्त, दो पड़ोसी सतहों का योग अगर सात है तो वह साधारण पासा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर हम चार में दो को जोड़ते हैं, चार प्लस में दो यानी छह हो जा रहा है, दो प्लस में तीन को जोड़ें तो पाँच हो जा रहा है, लेकिन चार और तीन को जोड़े तो दोस्त यह सात हो जा रहा है। यानी कि किसी भी पासे पर अगर दो पड़ोसी सतह का योग सात हो रहा है तो वह साधारण पासा ही होगा। तो दोस्त, यहाँ दो पड़ोसी सतह यानी चार और तीन वाले सतह पर का योग करने पर सात आ रहा है तो यह साधारण पासा होगा। आइए दोस्त, मानक पासा पर बात कर लेते हैं। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा यह होता है कि किसी भी पासे की एक सतह का यानी कि किसी दो विपरीत सतहों का योग सात हो, उसे हम मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे दोस्त, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सतह पर चार लिखा गया है और यहाँ पर छह लिख देते हैं। दोस्त, अब देखिएगा कि यहाँ पर दोस्त अगर पड़ोसी सतहों का योग कहा जाए तो सात नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए चार में दो, छह में अगर दो जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा, चार में अगर दो जोड़ेंगे तो छह हो जाएगा, छह में अगर चार जोड़े तो दस हो जाएगा। यहाँ दोस्त कह सकते हैं कि एक सरफेस यानी एक सतह का विपरीत सतह वाला योग सात होगा, यानी कि दो सतहों का यानी दो विपरीत सतहों का योग सात हो तो वह मानक पासा कहलाता है। यहाँ पर दोस्त कह ले कि चार का विपरीत क्या होगा, दो, चार का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत होगा दोस्त यहाँ पर तीन हो जाएगा, और दो का विपरीत अगर पूछे, दो का विपरीत क्या होगा तो दो का विपरीत पांच हो जाएगा, छह का विपरीत अगर पूछे तो छह का विपरीत एक हो जाएगा। दोस्त, बचपन में हम लूडो खेलते चले आ रहे हैं, लूडो हम मानक पासा से ही खेलते हैं, क्योंकि जब हम अगर लूडो वाला याद आए अगर आपको, तो अगर जिसके ऊपर छह होता है उसके नीचे में एक होता है, अगर फिर अगर ऊपर अगर चार है तो उसके नीचे में तीन होता है, अगर ऊपर में पांच है तो उसके नीचे वाले हिस्से पर क्या होता है, दो होता है। तो यही हम मानक पासा। सबसे पहले आइए हम सवालों पर चर्चाएं करते हैं। दोस्त, जब आज हम सिर्फ सवालों पर ही चर्चा करेंगे और कुछ नहीं करना चाहते। दोस्त, सबसे पहले सवालों की अगर स्थितियां देखें तो यदि सवाल पासे की एक स्थिति पता हो या पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां पता हो, तो आइए दोस्तों उन्हीं हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए सीधा सवालों पर चलते हैं। मेरे दोस्त, हर उन प्रश्नों पर हम चर्चाएं करेंगे जितने एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हर उन प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आइए प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्त, जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी गई हों तो सबसे पहले दोस्त कुछ भी नहीं करना है, हमें दोनों पासे को ध्यानपूर्वक देखना है कि कामन कामन कौन से सतह पर मिल रहा है। दोस्त,
तो इस प्रश्न पर अगर चर्चाएं करें तो सबसे पहले यहाँ दो लिखा है, तो दोस्त इस वाले पासे पर देखिए कहीं दो तो नहीं लिखा है, दो इस पे लिखा गया है। अब आइए दोस्त देख लेते हैं, कोई और अंक तो कॉमन नहीं है, पांच तीन नहीं है दोस्त, यानी कि दो ही ऐसी एक संख्या है जो कि दोनों पासा में क्या हो रहा है, कॉमन मिल रही है। तो दोस्त हमें करना क्या है कि जैसा कि घड़ी अपने दिशा में घूमती है उसी तरीके से कॉमन वाले फैक्टर से हमें घड़ी के दिशा में घूम जाना है। घड़ी इस प्रकार से घूमती है दोस्त अपने दिशा में, उसी तरीके से हमें करना क्या है कि पासे की जिस स्थिति पर, जिस सतह पर, जिस सरफेस पर कॉमन मिल रहा है उसी सतह से हमें घड़ी की दिशा में घूम जाना है। यहाँ दो से घूमना है दोस्त, दो से आया तीन तक, ऐसे ही घड़ी घूमती है। इसी तरीके से हमें इस वाले पासे पर भी घड़ी की दिशा में ही घूम जाना है। तो यहाँ दोस्त हम दो से स्टार्ट किए थे, तो दो के बाद तीन आया था, तीन के बाद क्या आया, पांच आया। अब दोस्त करना क्या है कि इस वाले पासे की दो ही कॉमन थे, तो दो वाला यहाँ हो गया, चार आया, उसके बाद चार के बाद छ आया। अब दोस्त यहाँ पर हम एक बात जान सकते हैं कि पांच का विपरीत छह होगा। सबसे पहले उत्तर को हम देख लेते हैं क्या कहा था, तीन का विपरीत क्या होगा, तो तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत चार हो जाएगा दोस्त, तीन के विपरीत ये चार होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर तो आपका मिल गया। लेकिन आइए कुछ बातें और हैं उस पर हम चर्चाएं कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पांच का विपरीत छह होगा, छह का विपरीत पांच होगा, चार का विपरीत तीन होगा, तीन का विपरीत चार होगा। लेकिन यहाँ आप दो का विपरीत दो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्त हमें पासा डाइस पर सिर्फ छह अंकों का ही खेल होता है, एक से लेकर छह तक के। अब दोस्त यहाँ दिया है दो का विपरीत दो, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्त दो का विपरीत होगा क्या, सबसे पहले यह देख लीजिए कि इन सभी संख्याओं में से वह कौन सी संख्या है, एक से लेकर छह तक में कौन सी संख्या नहीं दिख रही है। तो दोस्त दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार पांच छह, लेकिन एक नहीं दिख रहा है, तो ये आपका दो का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आइए दोस्त दूसरे वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दोस्त इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत क्या होगा। अब दोस्त आइए देख लेते हैं दो का विपरीत क्या होगा। इसमें भी देखिए दोस्त कि कौन से सतह पर कॉमन मिल रहा है, दो दो यहां पर भी, तो दोस्त जिस सतह पर कॉमन हो उसी सतह से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो दो के बाद एक आया, एक के बाद पांच आया। अब आगे यहां पर दो कॉमन था, तो दो को दो के स्थान से यानी दो वाले सतह से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो दो, दो के बाद चार, चार के बाद तीन आया। अब दोस्त यहाँ पर हमें पूछ रहा था कि दो का विपरीत क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन सभी संख्याओं को ध्यान में नहीं रखना है, दो का विपरीत पूछा था तो दो वाले संख्या पर चलेंगे। अब दोस्त यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इस दो का विपरीत दो तो नहीं होगा, लेकिन कौन सा अंक विपरीत होगा, तो हम देखेंगे कि इस सतह पर इस संख्याओं में कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, तो एक दो तीन चार पांच यानी छह नहीं दिख रहा है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्त कभी कभी प्रश्न चिन्हों पर आधारित भी पूछ लेता है इसमें दोस्त। अब इस यहाँ पर देखेंगे कि दो हमें पासे की स्थितियां दी गई हैं, लेकिन उसमें संकेत में हमें क्या किया है, लिखा है, तो संकेत को देखेंगे कि कौन से सतह पर संकेत वाला चिन्ह हमें क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है दोस्त। तो कुछ भी नहीं करना है, देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो इसमें भी कहीं पे बराबर, जी यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो दोस्त जिस सतह पर अगर कॉमन मिल रहा है तो उसी सतह से हमें घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर से घूमे घड़ी की दिशा में, यानी बराबर के बाद त्रिभुज आया, त्रिभुज के बाद गोला आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर भी बराबर के स्थान से हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, तो बराबर, और बराबर के बाद क्या आ गया, वर्ग आ गया, और वर्ग के बाद क्या आ गया, हैश टैग आ गया दोस्त, हैश। अब किसका पूछा था, त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, तो दोस्त त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज का विपरीत वर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दोस्त
इसमें भी दो पासे की स्थितियां दी गई हैं और इसमें भी कह रहा है कि एट द रेट का हमें क्या करना है, विपरीत बताना है। तो यहाँ पर दोस्त देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज हमें कामन मिल रहा है, तो कामन वाले सतह से हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर त्रिभुज 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 बार एट द रेट फिर वर्ग आ रहा है। अब यहाँ पर त्रिभुज कामन था तो त्रिभुज से घूमे तो यक्ष आया, यक्ष के बाद हमें ये वाला चिन्ह आ गया। तो अब करना क्या है कि इसमें दोस्त हमें पूछा था कि एट द रेट का विपरीत क्या होगा, तो एट द रेट का विपरीत क्या हो रहा है, यक्ष हो रहा है, तो एट द रेट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगले वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त इस वाले प्रश्न को देखते हैं, पूछ रहा है कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें दोस्त करना क्या है कि ये भी पासे की दो ही स्थितियां दी गई हैं, तो इसमें भी यह दोस्त देख लीजिए कि यह लूडो वाला सेम टू सेम आकार दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कि हमें पूछ रहा है कि एक का विपरीत क्या होगा, यानी एक का विपरीत क्या होगा। तो इस सतह पर दोस्त पहले कामन वाला फैक्टर ले लेते हैं, तो इसमें पांच कामन है, यहाँ पर भी पांच ही कामन हो रहा है। तो इस सतह से यानी जो कामन वाला सतह है घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या क्या आएगा दोस्त, यहाँ पांच आया, मान लीजिए हम अंकों में लिख दे रहे हैं, पांच के बाद एक आया, एक के बाद दो आया। अब इसमें क्या आया, पांच से चले थे दोस्त तो आया चार, चार के बाद तीन आया। अब पूछा किसका था, एक का विपरीत, तो दोस्त एक का विपरीत क्या होगा, चार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस वाले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्त, ये भी लूडो वाले जैसे सेम आकार का चित्र दिया गया है, दो पासे की स्थितियां हैं। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि दो का विपरीत पूछ रहा होगा, तो दो का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ दोस्त देखते हैं कि कामन वाला फैक्टर कहाँ है, तो दोस्त हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तीन मिल रहा है, यहाँ पर भी तीन मिल रहा है। तो जिस सतह पर कामन होगा उसी सतह से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो तीन, तीन के बाद एक, एक के बाद दो आया। यहाँ से चलेंगे तो तीन के बाद क्या आ रहा है, पांच, तीन के बाद पांच आ रहा है, पांच के बाद चार आ रहा है। दोस्त पूछा था दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों पर चर्चाएं करते हैं। जब पासे की दो से अधिक स्थितियां अगर दी गई हो तो उस पासा को कैसे हल करते हैं, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। और अब हम उस पासे की ओर चलते हैं जिस पासे की दो दो सतह पर कामन संख्याएं मिल रही हो, उस पर भी चर्चाएं करते हैं दोस्त। वह बहुत सरल होते हैं, सिर्फ देखने में बहुत बड़े लगते हैं। मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा कि जब पासे की दो सतह कामन मिल रहे हों तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। फिर से सुन लीजिए कि जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां आपको दे रही हों, किन्हीं दो पासा में अगर दो सतह कामन मिल रहे हो तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इतना बात याद रखिएगा। जैसे इस सवाल में देखते हैं कि दो पासे की स्थितियां दी गई हैं और इसमें दोस्त देखते हैं कि कौन कौन सतह पर कामन है। तो यहाँ दो लिखा है, दो तो यहाँ कहीं नहीं है दोस्त, यहाँ पांच लिखा है, पांच यहाँ लिखा है, यानी कि ये वाला सतह है और ये सतह कामन मिल रहा है। यहाँ चार है दोस्त, यहाँ भी चार है, यानी कि यहाँ इस पासे में, इस सवाल में दो सतहों पर कामन मिल रहा है। तो दोस्त क्या करेंगे कि ये सतह कामन था और ये भी सतह कामन था, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बच रहा है वही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो पूछा क्या है, तीन का विपरीत क्या होगा, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अब दोस्त इसे नजरों नजरों में आप कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा। दोस्त यहाँ पर पांच लिखा है, पांच यहाँ पर भी है और दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर, यानी ये पासा सेफ बच रहा है, ये वाला पासा सेफ, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो पूछा था तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत चार हो जाएगा, तीन का विपरीत चार हो जाएगा दोस्त, तीन का विपरीत चार हो जाएगा। अब आइए अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में पासे की चार स्थितियां दी गई हैं और पूछ रहा है कि तीन का विपरीत क्या होगा। दोस्त जब भी ज्यादा से ज्यादा पासे अगर दिए हैं, पासे की स्थितियां ढेर दी गई हो, तो वह दोस्त सबसे सरल प्रश्न होते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना है कि हमें दो ऐसी दो पासे देख लेने हैं जिसमें
दो पासे के दो सतह कॉमन मिल रहे हों। तो दोस्त देख लीजिए कि यहाँ तीन का विपरीत पूछ रहा है। तो दोस्त सबसे पहले क्या करना है कि हम तो पहला और दूसरा देख लेते हैं। यहाँ लिखा है पाँच और चार और छह, और दोस्त यहाँ लिखा है पाँच और छह। दोस्त पूछ रहा है तीन का विपरीत क्या होगा। तो दोस्त यहाँ आप पहले और दूसरे पासे में ही उत्तर पा जा रहे हैं कि यहाँ देखिए पाँच और छह कॉमन था, पाँच और छह कॉमन था, दो सतह कॉमन थे। तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, जो सतह बची हैं वही तो एक दूसरे का विपरीत होंगे। तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो गया। अगर इसी प्रश्न को हम आइए घड़ी वाले सुई के दिशा की ओर घूमकर जो करते हैं उस तरीके से देख लेते हैं। किसी एक सतह को कॉमन देख लीजिए, यहाँ चार है दोस्त, एक है, यहाँ चार एक, यानी दो का विपरीत पूछता तो छह हो जाता। आइए और देखते हैं कि यहाँ चार है, यहाँ चार है। हाँ दोस्त, पहले और तीसरे वाले से मिलाकर देख लीजिए कि यहाँ चार कॉमन है, यहाँ चार कॉमन है। तो चार जिस सतह को कॉमन मानते हैं उसी सतह से हम क्या करें, घड़ी दिशा में घूमते हैं। तो चार पाँच और छह आ गए, यहाँ से घूमेंगे घड़ी दिशा में, तो चार दो एक। अब दोस्त पूछ किसका रहा था, तीन का विपरीत, तीन का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ हमें छह का विपरीत एक मिल गया, एक का विपरीत छह, पाँच का विपरीत दो, दो का विपरीत पाँच, और चार का विपरीत चार तो होगा नहीं दोस्त। अब उसमें करना क्या है कि इन सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या नहीं मिल रही थी, नहीं दिख रही है, तो तीन नहीं दिख रहा है। तो तीन क्या हो जाएगा, चार का विपरीत हो जाएगा। तो चार का विपरीत तीन हो गया, तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, चार। जहां कि हम पहले और दूसरे ही क्वेश्चन से हम पता कर पाए थे तीन का विपरीत क्या होगा, चार होगा। तो तीन का विपरीत क्या होगा, चार होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस वाले प्रश्न पर देखते हैं दोस्त। इसमें पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं और पूछ रहा है चार का विपरीत क्या होगा। तो चार का विपरीत क्या होगा, सबसे पहले दो ऐसे पासे को देखिए जिसमें दो सतह कॉमन हो, सबसे पहले यही देखना है हमें। अब देख लीजिए कि यहाँ तीन है, यहाँ एक है, और तीन एक और कहीं है, तीन और एक है तो यहाँ, लेकिन पूछ चार का विपरीत रहा है, तो यानी दो का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ तो पांच मिल गया लेकिन पूछ किसका रहा है, चार का। तो दो और तीन यहाँ पर है, दो तीन यहाँ पर है। हाँ दोस्तों, यहाँ से ये दो पासा है यानी दो सतह कॉमन थे, तो ये आपस में इससे हमसे कोई लेना देना नहीं था। तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, चार का विपरीत एक हो जाएगा। तो चार का विपरीत एक यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा दोस्त। अब अगले वाले वीडियो में हम आपको पासे के विस्तृत यानी पासे के जो खुला हुआ पासा होता है उन पर ढेर सारी चर्चाएंगे, ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।